Bob wants to cover the floor of a room 3 meter wide and 4 meter long by square tiles. Bob जो है एक उसके पास एक rectangular floor है, floor of a room 3 meter wide and 4 meter long, 4 meter long and 3 meter wide. अब इस पे वो स्क्वायर टाइल लगाना चाहता है, स्क्वायर टाइल. तो वो आपसे पूछ रहा है कि इस टाइप के कितने पीस यहां पे लगेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स पूछ रहा है. ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम. तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जब आप कहीं जाते हैं टाइल्स खरीदने के लिए, तो वो जो दुकान का मालिक है वो क्या कहता है, वो कहता है कि सर आप हमें जितने एरिया में आपको टाइल्स लगवाने हैं वो एरिया बताइए. तो मान लीजिए आपने बोला कि भाई मेरा जो रूम है या मेरा जो फर्श है रूम का वो आपका 4x3 का है, यानी कि आपका कितने मीटर, कितने स्क्वायर मीटर हो गया, 12 स्क्वायर मीटर हो गया. तो फिर वो आपसे पूछेगा कि सर मेरे पास जो टाइल है उसका एरिया जो है वो इतना है. अब आप कहेंगे सर हो सकता हो आपको टाइल्स जो है थोड़े बड़े लगवाने हो, तो आपको इसके लिए क्या काम चाहिए, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ अ टाइल. वे लोग क्या करते हैं, दुकान के जो मालिक होते हैं वो हमारे फ्लोर का एरिया पूछ लेते हैं कि हमारा फ्लोर का एरिया कितना है, और उनके पास जो भी टाइल्स होते हैं उसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं. तो वो बता देते हैं कि सर आपके फ्लोर में इतने टाइल लगेंगे, और कुछ 3-4 पीस वो एक्स्ट्रा दे देते हैं, क्योंकि मान लीजिए जब आप टाइल्स लगाएं तो कुछ टूट फूट हो जाए, तो कुछ उनको एक क्या कहते हैं अप्रोक्स बता दिया जाता है कितने टाइल इनको लगेंगे. तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स को पता करते हैं. ये नहीं है कि आप जाएंगे और भाई टाइल्स अगर आपको लेने हैं तो आपको दुकान वाले को आपको मेजरमेंट आपको बताना हो कि आपको कितने एरिया में टाइल लगाने हैं, तो वो उसके पास जो भी टाइल्स होंगे वो दिखाएगा छोटा है बड़ा है, तो उसी हिसाब से वो डिवाइड करके बता देगा कि सर इतने टाइल लगेंगे. तो आइए सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ द फ्लोर निकालते हैं. एरिया ऑफ द फ्लोर दोनों यूनिट आपकी किसमें है, मीटर में है, 4x3 यानी कि 12 स्क्वायर मीटर. ठीक है, 4x3 कर दिया, 12 स्क्वायर मीटर. अब एरिया ऑफ अ टाइल देखते हैं. एरिया ऑफ अ टाइल आपका मतलब एक टाइल. अब ये देखिए यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, 0.5 है. एक टाइल का जो साइज है इस स्क्वायर टाइल की, एक टाइल के जो स्क्वायर शेप में है इसका जो साइज है वो कितना है, 0.5 मीटर है. यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा, 0.5. तो 0.5 × 0.5 पहले मैं आपको मल्टीप्लाई करके समझाऊंगा, 5×5 = 25, फिर ये जीरो से आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये आ गया. अब आप देखिए यहां पर डेसिमल के पीछे कितने प्लेस है, 1 और 2. आप इधर से डेसिमल लगाइए कितना आएगा, 0.25 स्क्वायर मीटर. अब आप डिवाइड कर दीजिए यहां पर फॉर्मूले में रख करके. अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करिए, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर कितना है आपका, 12 अपॉन 0.25. ये भी स्क्वायर मीटर में है, ये भी स्क्वायर मीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैंसिल कर दीजिए, हमें टाइल्स की जो संख्या है वो पता लग जाएगी. अब आप देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, इसको हटाइए तो आप 2 जीरो ऊपर लगा दीजिए. अब आप डिवाइड करिए इसको, तो 25 × 4 = 100, ये कितना आ गया 20, और ये 0 आ गया, 25 × 8 = 200. तो कितने टाइल आ रहे हैं आपके, 48 टाइल्स आपके लगेंगे. ठीक है, तो आपने क्या काम किया, सबसे पहले आपने एरिया ऑफ द फ्लोर निकाला, फिर आपने एरिया ऑफ आ टाइल, एक टाइल का एरिया निकाला आपने, 0.5 × 0.5 = 0.25 स्क्वायर मीटर. बस अब आप क्या काम करिए, एरिया ऑफ द फ्लोर को एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ध्यान से पढ़िए.
ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं यही पे समझा देता हूं, आंसर 12। देखिए एरिया, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर, ये आपके टाइल की आपको दे रखी है, ये आपको टाइल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ठीक है। तो जो आपका टाइल है वो क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, यहां पर क्या था स्क्वायर शेप में था। विल बी नीडेड टू फिट अ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका मेजरमेंट कितना है 100 and 144। तो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन अपॉन एरिया ऑफ अ टाइल। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, ये रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया है, 100 into 144, ये सेंटीमीटर में, 100 cm into 144 cm, तो ये आपका स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया एरिया। बिल्कुल सेम नीचे भी स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा एरिया जो आपका टाइल है। कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में इसको कर लेते हैं, ये एरिया ऑफ द गार्डन ले लेते हैं, अरे भाई ये आपका कम है, हमेशा टाइल जो है रेक्टेंगुलर गार्डन से छोटा होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। तो 12 into 5 = 60 हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप इसको कैंसिल करना चालू करिए, पहले तो इसको कर लेते, 5 + 10 = 20 आ गया, 12 + 10 = 144, तो ये कितना आ गया आपका 240 tiles, 240 टाइल्स लगेंगे इस क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये क्वेश्चन आपका टाइल्स का था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन एक साथ आपको समझा दिए। यूनिट का ध्यान रखना है, बार बार मैं आपसे बात बोल रहा हूं कि यूनिट का आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करने की कोशिश करते हैं। देखिए आंसर 11, 10 और 11 दोनों एक जैसे सवाल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। लिखा हुआ है स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। अब वो रेक्टेंगल में कर सकते हैं, स्क्वायर में कर सकते हैं, वो अलग चीज है। देखिए अगर ऐसे फिगर बना हुआ है तो आप इसका एरिया ऐसे फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या काम करिए इसको आप अलग अलग ब्लॉक में कर दीजिए। ये ऐसे जो नीले रंग से मैंने किया हुआ है, देखिए ध्यान से, अलग कलर से मैंने इसलिए दिखा रखा है, यहां पर भी आप देखिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब ये क्लियर हो गया कि ये अलग है ये अलग है, यहां पर भी क्लियर हो गया ये अलग है ये अलग है ये अलग है ये अलग है ये अलग है, क्योंकि उसने कहा स्प्लिट कर दो, अलग कर दो। अब मैं आराम से इसका एरिया निकाल सकता हूं। देखिए सबसे पहले तो आप क्या काम करिए, इसमें कितने पीस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, और हर एक पीस की जो साइड है वो 7 है। आप खुद देखिए ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। तो इसका एरिया तो बहुत ही आसानी से निकल आया, इसका एरिया बहुत आसानी से निकल आया, फर्स्ट फिगर का एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ ये फर्स्ट का है एरिया ऑफ गिवन फिगर इक्वल टू, देखिए ध्यान से यहां पर कितने पीस हैं, 5 है, और वो पांचों के पांचों पीस क्या है आइडेंटिकल है, यानी एक जैसे हैं, और स्क्वायर शेप में, ये भी 7 है ये भी 7 है ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो ये 5 स्क्वायर पीस आपको दिख रहे हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 5 into एरिया ऑफ अ स्क्वायर पीस, एरिया ऑफ अ स्क्वायर पीस हैविंग साइड, हैविंग ईच साइड 7। अब यहां सेंटीमीटर तो दिया नहीं, 7 यूनिट लिख दीजिए। तो 5 into एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 35 into 7, स्क्वायर मीटर। थोड़ा पर भी इसको स्प्लिट कर दिया। आइए अब पार्ट टू करते हैं, पार्ट टू का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ गिवन फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए फिगर 1 का एरिया क्या हुआ, ये लेंथ कितनी है 5 है और ये ब्रेथ कितनी है 1 है, तो एरिया ऑफ फिगर 1 क्या हो जाएगा, 5 into 1 यानी एल इंटू बी प्लस। अब एरिया ऑफ फिगर 2 देखिए, एरिया ऑफ फिगर 2 में ये कितनी है ब्रेथ 1 और ये कितना है आपका पूरा 4,
तभी तो 4 प्लस 1 हुआ, तभी तो ये ऊपर का 1 हुआ, 4 प्लस 1 5 हो गया, ये पूरा 5 है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कितना है, यहां से लेके यहां तक का कितना है, ये 4 है और ये कितना है 1 है, तो 4 into 1 हो गया, ठीक है। तो ये 5 प्लस 4 यानी कि 9 स्क्वायर यूनिट, यहां पर स्क्वायर मीटर मत लिखिए क्योंकि दिया नहीं है, स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अगर कोई भी फिगर आता है तो आप क्या काम कर लीजिए, उसको स्प्लिट कर लीजिए रेक्टेंगल में या स्क्वायर में, जो भी जिसमें भी आप उस फिगर को पहले स्प्लिट कर लीजिए लाइन खींच करके, और उसके बाद आप हर एक पीस का एरिया निकाल लीजिए। थैंक यू।